राम राम जी। और क्या मजा आ रही है, आ भी रही है कि वैसी वक्त कट रहा है। आज मैं अपने वीडियो में बताऊंगा, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करा है इंडियन राशन का खाना वाना सारा टोक्यो से, तो जो जो सामान आया है वो मैं बताऊंगा कि कितने का आता है, कैसे आता है, और उस पर रिव्यू दूंगा कि यार जो सर्विस होती है ना, जो खाना पीना राशन ऑर्डर करते हैं, अपना परचून का सामान ऑर्डर करते हैं जब ऑनलाइन, वैसे दुकानों वुकानों पर तो यहाँ मिलता नहीं है, तो उसकी जो सर्विस होती है वेबसाइट, यहाँ पर चार पांच वेबसाइट है कम से कम, जैसे किसी में 10,000 का ऑर्डर करना पड़ता है, किसी में 8,000 का ऑर्डर करना पड़ता है, ऐसे अलग अलग है, तो उसमें सर्विस कैसी है, अगर आपको ये बिजनेस बिजनेस शुरू करना है तो आपको पता चल जाएगा कि ये बिजनेस करना कैसे होता है, और अगर आपको ये बिजनेस आप ऑलरेडी कर रहे हो तो आपको थोड़ा से फीडबैक के तौर पे मैं कुछ बातें बताऊंगा, उससे आपके बिजनेस थोड़ा अच्छा हो जाएगा और सर्विस अच्छी हो जाएगी, आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करो हमारी तरफ से, तो ठीक है। वो आ गया बाहर खड़ा है। अरे हाँ, सामान तो आ गया पर यार एक गड़बड़ सी हो गई, क्योंकि जैसे ऑनलाइन जब मैंने ऑर्डर करा था तो मेरा बिल बना था 12,285 yen का, पर यहाँ पर अब जब मैंने सामान लिया तो मेरे इसने पैसे लिए मेरे से 11,407 yen, 870 yen कुछ हिसाब से इसने कम लिए, पर ऐसा क्यों? या तो भैया वो ऑनलाइन ऑर्डर वाला मेरे से बहुत ज्यादा इंप्रेस है, या फिर उसने कुछ सामान कम दिया है जो कि उसने उसने बिल में काट लिया। आ गया मैं, अब इसी करते हैं अनबॉक्सिंग। आप खुलेंगे पूरी राशन की दुकान में, आप चेक करेंगे सारा, पेन ले लो, पेन से टिक लगाता रहूंगा। वैसे यार मुझे वो भी एकदम चिंता सी हो रही है कि उसने क्या सामान कम दिया होगा यार, देखते हैं। और हाँ, इसमें ना मैंने रेट जैपनीज येन में तो लिखे हुए, मैंने मैंने इंडियन रुपीज में भी लिख दिया ताकि परेशानी ना हो, आपका काम मैंने कर दिया आसान। अब करेंगे चेक, तो ये जो सामान मैंने मंगाया था 12,285 yen का, इसमें से उसने 850 yen कम लिए मेरे से, 11,407 yen लिए, इसका मतलब कोई सामान इसमें मिसिंग है, और वो मिसिंग सामान देखते क्या है, ये भगवान हरी चटनी ना हो। पहला डेयरी गोल्ड प्योर काऊ घी 200 ml, कहाँ भाई, और तेरी तो बड़ा छोटा है। हाँ ये आया है भाई 792 yen का, और रुपीज में हो गया 564, 564 रुपए का ये है। अब बता देना ये महंगा है या सस्ता है, इंडिया में कितना आता है, मुझे 2 साल से मैं इंडिया गया नहीं तो मुझे रेट वेट की कुछ पता नहीं है, ऑब्वियसली इंपोर्ट टैक्स वैक्स ये सब लगते हैं, महंगा तो हो ही जाता है पर इतना होता है पता नहीं। दूसरा आइटम फ्रेश मेड जिंजर पेस्ट, जिंजर पेस्ट कहाँ है, जिंजर पेस्ट कहाँ है, ये तो गार्लिक है, फ्रेश मेड जिंजर पेस्ट ये रहा, ये कितने का है, ये 398 yen का, मतलब 284 रुपए का, 284 रुपए जिंजर पेस्ट। गार्लिक पेस्ट फ्रेश मेड सेम, ये भी सेम रेट का है, 398, 284 रुपए, 310 ग्राम गार्लिक पेस्ट, इनसे सब्जी बहुत टॉप की बनती है। मदर्स जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये तो अलग अलग है, मैंने एक साथ वाले भी मंगाया था, ये मदर्स का जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसमें दोनों मिक्स है, ये कितने का है, ये 330 yen का, दो मतलब 235 रुपए का, ये 235 रुपए जिंजर गार्लिक पेस्ट, 300, ये 300 ग्राम है। आटा आशीर्वाद 5 किलो, आटा तो नीचे होएगा ना, और ये आटा 5 किलो कितने का, ये है 1404 yen का, मतलब 1,000 रुपए का आटा, 5 किलो आशीर्वाद का, 1,000 रुपए, 1,000 रुपए, 1,000 रुपए, कहाँ रखूँ, यहाँ रख दो। चेक पिल्सबरी मल्टीग्रेन आटा 5 किलो, ये है 1398 yen का, 996 रुपए, 996, 996 रुपए। आज अभी पिल्सबरी मल्टीग्रेन आटा यहाँ रख दो। चेक सर्वोत्तम बेसन, बेसन 465 yen, 331 रुपए, क्वांटिटी क्या है, 1 किलो का बेसन, ये है शायद बेसन, हाँ बेसन विश्वास। सर्वोत्तम रवा इडली पाउडर, हाँ इडली भी खाएंगे, 500 ग्राम इडली है, 315 yen, 224 रुपए, इडली कहाँ गई इडली, ये है सर, ये तो टाटा नमक, ये ना रवा इडली पाउडर 500 ग्राम। MTR इंस्टेंट डोसा 200 ग्राम के 2 पैकेट, इंस्टेंट डोसा एक, ये रहा, ये 300 रुपए के 2 पैकेट, यानी 1 पैकेट हो गया 150 रुपए का। चेक चितकबरा राजमा 1 किलो, 520 yen, 370 रुपए, चितकबरा राजमा कहाँ है, चितकबरा, ओ चितकबरा,
धुली मसूर दाल 1 किलो 375 येन यानी 267 रुपीस। धुली मसूर की दाल कौन सी होती है? ये नहीं, अच्छा अच्छा लाल वाली होती है मसूर की दाल। चलो दो इसको भी। हाँ चेक। अब है 2 किलो ड्राई मटर 880 येन 627 रुपए के 2 किलो मटर। ड्राई मटर सूखे चल रहे हैं, सूखे रहते हैं ना ये मटरा, सूखी मटरा जिससे छोले कुलचे बनते हैं वो 2 किलो मंगाइए, क्योंकि छोले कुलचे मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ग्रीन मूंग स्प्लिट 1 किलो 375 है 267। 1 किलो दाल है 267, 267 की ग्रीन। कहाँ मेरी दाल? ये रही ग्रीन स्प्लिट मूंग दाल। जैपसन्स बीकानेरी भुजिया नमकीन, ओहो भुजिया 140 ग्राम की भुजिया है 178 येन यानी 127 रुपए। कहाँ है भुजिया? भुजिया 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 तो ये रही ना बीकानेरी भुजिया 127 रुपए। अब है जैपसन पापड़ी पूरी, पापड़ी पूरी 200 ग्राम 248 येन 177 रुपए। पूरी सूखी पापड़ी है, मस्त खाने मजा आता है हरी चटनी वटनी के साथ। छेदा, छेदा या शेडा मसाला बूंदी 170 ग्राम 220 येन 157 रुपए की बूंदी, मसाला बूंदी। रायते में बूंदी वाला रायता बनाने के लिए बहुत दिन से वेट कर रहा था, अब नहीं रुका जाएगा ये, मैं बूंदी का रायता तो मैं बनाऊंगा। एक मिनट, एक सेकंड रुक जाओ बस। ओहो बहुत टेस्टी, बहुत गजब। नेक्स्ट छेदा सॉल्टेड बूंदी, सॉल्टेड बूंदी है 220 येन की 157 रुपए। सॉल्टेड भी है और मसाले वाली भी दो मंगाई थी। चेक। और चुभ दे टर्मरिक पाउडर 200 ग्राम हल्दी है 320 येन 228 रुपए की 200 ग्राम हल्दी। MDH मीट का मसाला, मीट करी मसाला, हाँ 100 ग्राम 225 160 येन। MDH का पानी पूरी मसाला, MDH का पानी पूरी मसाला ये कितने का है? 100 ग्राम 270 येन 192 रुपए। MTR पाव भाजी, हाँ ये रेडीमेड पाव भाजी खाने वाली है, वो सिर्फ गर्म करके खा लो। ये पाव भाजी ये कितने की है? एक 336 येन 240 रुपए की, ये एक कटोरी बनता है इसमें। न्यूट्रेला सोया चंक्स 200 ग्राम 2 पैकेट 2 डब्बे 350 येन का एक है तो 700 येन 500 रुपए के 2 डब्बे सोया चंक्स। सोया चंक्स प्रोटीन भी तो पूरा करना है ना, ये रहा सोया चंक्स 500 रुपए के 2 250 का एक। न्यूट्रेला सोया ग्रैन्यूल्स एक पैकेट मंगाया ये 350 येन का 250 रुपए। ये इसका यूज मुझे पता नहीं है, अभी इसी तरह होता होगा, देखूंगा कैसे क्या बनता है इसका। ये हो गया खाली। टाटा सॉल्ट 270 192 रुपए का बेस का नमक, टाटा नमक 1 किलो। अरे हरी चटनी, और यार हरी चटनी तो इसने गायब कर दी। और एक और, हाँ मैंने राजमा मंगाया था, राजमा तो है, एक लाल रेड राजमा भी मंगाए थे मैंने, हाँ वो भी नहीं है। दो चीजों का आइटम इसने पैसे कट गए तभी। यार बेसन मंगाया था, पकौड़े बनाऊंगा हरी चटनी के साथ खाऊंगा, अब इस बेसन का क्या करूं। चलो राइट वाली बूंदी तो आई, हरी चटनी तो नहीं आई यार, चल बूंदी तो आ गई, रायता तो खा लिया कम से कम। भैया अब यार ये फंडा है, जैसे कि ये फीडबैक देता हूँ कि जैसे जो सामान अगर आपके पास नहीं है, जो मैंने मंगाया था, जैसे जिस स्टोर से मैंने मंगाया उसके पास वो सामान नहीं है, तो वो इन्फॉर्म नहीं करते कि हमारे पास ये सामान नहीं है, तो हम आपको इनके बिना ही भेज रहे हैं। तो इस किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं होता। अगर मुझे अच्छा लगता कि अगर मुझे पहले बता देते कि हरी चटनी नहीं है, हम बिना हरी चटनी के तुम्हारा सामान भेज रहे हैं, क्योंकि मैं वेट कर रहा था हरी चटनी का यार, तो वो नहीं है तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, मतलब मन सा टूट गया। अब किसी और जगह से मंगाऊंगा या फिर किसी और दुकान पर जाऊंगा स्पेशली ट्रेन व्रेन पकड़ के, तब उससे लेके आऊंगा सामान। तो बता देना चाहिए पहले कि यार हरी चटनी नहीं है, तो फिर मैं पहले से अरेंज कर लेता ना इधर उधर। अब आज मेरी छुट्टी थी, मुझे बेसन के पकौड़े बना के खाने थे हरी चटनी के साथ, जो कि मेरा प्लान हो गया कैंसल।
हाँ, और एक बार क्या हुआ था कि मैंने एक अपना जो राशन मंगाया था एक वेबसाइट से, तो उसमें मैंने इंस्टेंट डोसा भी मंगाया था, ये वाला ऐसा इंस्टेंट डोसा। मुझे डोसा खाने का बड़ा मन कर रहा था, तो मैंने सोचा डोसा बना के खाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत रेयर कोई दूर दराज टोक्यो वोक्यो साइड अगर कोई साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है तो उसमें डोसा मिलता है, नहीं तो ऐसे नॉर्मली डोसा नहीं मिलता, खाने को नहीं मिलता। तो मैंने सोचा अपने फ्रेंड्स को भी बुला लेता हूँ, तो उसमें से जो कुछ मेरे फ्रेंड्स थे जापानीज और कोरियन थे, उनका पेट जल्दी खराब हो जाता है। तो जो जापान में जो लोग रहते हैं ना, उन्हें पता है कि जापानीज लोगों का और कोरियन लोगों का पेट जल्दी खराब हो जाता है इंडियन मसालों से, क्योंकि उनको आदत नहीं होती, उनके खाने में मसाला वसाला ज्यादा होता नहीं है। तो मैंने जब बना के खाया, उन्होंने खाया, 10 मिनट बाद ही उनका पेट खराब हो गया, वो टॉयलेट भागे, सारे लाइन से एक एक करके सब का पेट खराब हो गया था। उन्होंने बोला कि अरे ऐसा पेट एकदम से कैसे खराब हो गया, क्या डाला है तुमने इसमें। मैंने कहा नहीं यार, ऐसा नॉर्मल डोसा होता है। तो उसके बाद मैंने चेक करा था, वो जो डोसा इंस्टेंट मिक्स था उसकी डेट एक्सपायरी हो रखी थी 6 महीने पहले, तो वो एक्सपायरी उन्होंने मेरे को डिलीवर कर दिया था। उसके वजह से मेरा इंप्रेशन है, वो मेरे फ्रेंड्स मेरे घर खाने पे नहीं आते, कहते तू साले क्या खिलाता है, हमें नहीं पता, हमारा पेट खराब हो जाता है, खाना ये साथ में तो बाहर रेस्टोरेंट में जाके खाएंगे, और साउथ इंडियन खाना तो वो खाते ही नहीं हम, क्योंकि वो इमेज ऐसी बन गई थी ये। और एक और बात, उसके बाद मैंने किसी और दूसरी वेबसाइट से मंगाया था खाना वाना, ये सारा राशन वासन का सामान, तो मैंने किचन किंग और जैसे गरम मसाला, किचन किंग चाट मसाला, रायता मसाले सब ऑर्डर करते हैं ना, मसाले जो जो उनके पास हैं, तो उससे मैंने किचन किंग ऑर्डर करे थे 3, तो उन्होंने, उनके पास शायद किचन किंग नहीं होगा, तो उन्होंने किचन किंग के बदले मुझे ये भेज दिए थे, उन्होंने किचन किंग के बदले मुझे बिरयानी, बॉम्बे बिरयानी मसाला डाल दिए 3। अब ये 3 डब्बे पड़े हुए मेरे पास बॉम्बे बिरयानी मसाला के, जो मैंने यूज नहीं करे, क्योंकि मैं बॉम्बे बिरयानी मेरा क्या मतलब है यार, मुझे नहीं खानी बिरयानी, और मैं घर पे कभी बनाऊंगा तो उसमें फिर ये मसाला डलेगा, या तो फिर मैं इसको जैसे गरम मसाला या फिर किचन किंग की तरह ही यूज करूं। वो उन्होंने मेरे को भी इस चीज के लिए इन्फॉर्म नहीं करा था कि हमारे पास वो मसाला नहीं है, हम उसके बदले में आपको ये दे रहे हैं। तो ऐसी चीजें होती है, तो इसलिए वो रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी चीजें ना करो। तो हम कस्टमर, हम भी खुश हैं, आप भी खुश हो, आपको हमारी जरूरत है, हमें भी आपकी जरूरत है, कि हमें आप ही तो ये सारा सामान पहुंचाते हैं, है ना, है ना, है ना, है ना। तो मैं इसमें किसी भी वेबसाइट का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी भी स्टोर का नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता, मैं किसी को ऊपर भी नहीं उठाना चाहता, मैं तो बस अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो एनीवेज, जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनको सच में बहुत 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 थैंक यू है, और जिन्होंने नहीं कर रखा आराम से कर लेना बाद में भाई, कोई आफत ना आ रही, ठीक है, अच्छा जी, फिर मिलेंगे, राम राम।